Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are like my videos. If you are new to my channel, please subscribe so that you will get all notifications of my upcoming videos. मैं आज आपको अपने पिछले जो हमने अपने पार्ट वन में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स पार्ट वन स्टार्ट किया था उसका आज मैं आपको एक पार्ट थर्ड की वीडियो आपको दे रही हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो भी मैं आपको बीच में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो आपको हेल्प करेगी और एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेगी कि कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आर टॉपिक विद एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। पार्ट वन में हमने पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में पढ़ा था। पार्ट टू में हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ली थी। ठीक है, अब मैं आपको पार्ट थर्ड में अपने बताऊंगी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देयर आर टू मेथड्स फॉर मेजरिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। फर्स्ट इज गोज मेथड, सेकंड इज फैराडे मेथड। नाउ मैं आपको वन बाय वन इस मेथड को एक्सप्लेन करूंगी और ये मेथड आपको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको मिस मत करना और बहुत इजी भी हैं। ठीक है, इन दिस मेथड फाइनली पाउडर्ड सब्सटेंसेस इज टेकन इन अ पायरेक्स ग्लास ट्यूब कॉल्ड गोज ट्यूब। द सब्सटेंस इज वेट फर्स्ट इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देन वेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक फाइनली पाउडर्ड सब्सटेंस लेते हैं एक पायरेक्स ग्लास ट्यूब में, उस ग्लास ट्यूब को हम कहते हैं गोज ट्यूब। उस सब्सटेंस को हम वेट मतलब उसका वेट करते हैं एक बार तो मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में और एक बार मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। ठीक है, द डिफरेंस इन टू वेट्स गिव्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द सैंपल। आपको ये इसमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसमें ये जो है ये एक पायरेक्स ग्लास ट्यूब है, यहां पे दो मैग्नेट्स लगे हुए हैं। यहां पे मैंने एक वेट डाला है जो कि आपको वेट करना है एक बार प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड और उसके बाद में एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Now calculation. The force acting on the sample is given by the expression F is equal to half A K H square, where A क्या है area of cross section, K क्या है magnetic susceptibility, H क्या है strength of magnetic field and F is difference in two weights. ठीक है, द अबव इक्वेशन इज वैलिड इन वैक्यूम। इफ सैंपल इज सराउंडेड बाई एयर देन ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर कापा डैश इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मेजर ससेप्टिबिलिटी। एफ इज इक्वल टू हाफ ए एच स्क्वेयर के माइनस के डैश। द गोस्ट इट सेल्फ इज अ होलो स्पेसिमन यानी कि ट्यूब एंड दस डेवलप्स अ फोर्स विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्व्ड फोर्स। दिस फोर्स इज यूजली नेगेटिव because tube is made of diamagnetic material, this force is denoted by delta. This force is usually negative because tube is made up of diamagnetic material, this force is denoted by delta. F is equal to half a h square k minus k dash minus of minus delta. यानी कि वो क्या बन गया, F is equal to half a h square k minus k dash plus delta. For a sample of constant length and constant area, the factor a h square is constant. The above equation can be written as 10 raised to power 6 psi is equal to alpha plus beta by w f dash. जो f dash वो क्या है, f minus delta. ये सब आपको इस मेथड में लिख के आना है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। Where alpha is constant,
द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.029 इंटू वेट ऑफ सैम्पल एंड बीटा इज कैलिब्रेशन कॉन्स्टेंट एंड एफ डैश इज इक्वल टू एफ माइनस डेल्टा. नोइंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एफ एंड डेल्टा वी कैन डिटर्मिन मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी. यहाँ तक तो था जो गॉस मेथड का इंट्रोडक्शन. उसके बाद हम करेंगे उसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. नाउ एडवांटेजेस, द अपरेटस इज सिंपल एंड ईजी टू कंस्ट्रक्ट. कि इसका जो अपरेटस है वो बहुत सिंपल है और इसको कंस्ट्रक्ट करना भी बहुत आसान है. द अपरेटस इज ईजी टू हैंडल एंड यूज. इस अपरेटस को हैंडल करना और इसको चलाना भी बहुत ईजी है. सिंस इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सो एन ऑर्डिनरी एनालिटिकल बैलेंस कैन बी यूज. फोर्थ, इट इज रीजनेबली प्राइस इक्विपमेंट. ये भी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है. ठीक है. नाउ डिसएडवांटेजेस, इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल. यूनिफॉर्म पैकिंग ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड विच इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. फर्स्ट इज डिसएडवांटेजेस कि इसको हमें सैंपल की बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी. ये इसका एक डिसएडवांटेज है. सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. ठीक है. सो आर नेक्स्ट मेथड इज फैराडे मेथड. आई होप आपको ये मेथड समझ में आया. सेकंड इज फैराडेज मेथड फॉर डिटरमिन मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी. अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल इज सस्पेंडेड बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स एंड सैंपल इज कंसेंट्रेटेड टू अ स्मॉल वॉल्यूम. इफ वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो देन एच डी एच बाई डी डी एक्स इज प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट ओवर द एंटायर सैंपल. द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द सैंपल इज मेजर्ड बाई वेइंग द सैंपल बोथ इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द डिफरेंस इन द टू वेट्स गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ. If sample of mass m, so specific susceptibility is placed in magnetic field, then force acting on sample will be, क्या होगा उस केस में, F is equal to m psi h dx by dx, dh by dx, where h dh by dx क्या है, field gradient in x direction, अगर y direction में होगा तो वो dy हो जाएगा, ठीक है? ये फैराडे मेथड का डायग्राम है जो कि बहुत सिंपल है. आप इसे ड्रॉ कर लीजिए. एडवांटेजेस ऑफ फैराडे मेथड. स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड. इट गिव्स स्पेसिफिक ससेसिबिलिटी डायरेक्टली. इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एक तो सब्सटेंस जो हम वो बहुत कम क्वांटिटी में हमें चाहिए और ये हमें डायरेक्ट ही स्पेसिफिक ससेसिबिलिटी की वैल्यू दे देगा. ठीक है. नाउ डिसएडवांटेजेस, द इक्विपमेंट इज वेरी डेलिकेट एंड रिक्वायर्स ग्रेट मैनुअल स्किल. सेकंड, सिंस ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल इज यूज्ड, सो रिएक्शन ऑकरिंग ऑन द सर्फेस ऑफ सैंपल विल लीड टू लार्ज एरर. ठीक है. बस हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बी सेफ. स्टे एट होम. बाय.